Installing Python. Ever since Python language was first developed, it is becoming popular day by day among programmers. जब से ये Python language develop हुई है, ये दिन प्रतिदिन ना बहुत popular होती जा रही है programmers के बीच में. Several versions of Python have been released till now, beginning with Python 1.0. बहुत सारे इसके versions भी आ चुके हैं. पहला वर्जन जो आया था वो था 1.0. वी शेल बी वर्किंग ऑन पाइथन 3.6.5. ये जो हम अभी वर्क करेंगे वो इस वाले पाइथन के वर्जन पे वर्क करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग पाइथन नीड्स टू बी इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम. जो हम पाइथन पे काम करना शुरू करें उससे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में. टू इंस्टॉल पाइथन यू मस्ट फर्स्ट डाउनलोड द इंस्टॉलेशन पैकेज. सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन पैकेट डाउनलोड करना पड़ेगा ऑफ द रिक्वायर्ड वर्जन ऑफ द लिंक. आप इस लिंक के थ्रू https://www.python.org/downloads में जाके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टॉलेशन पैकेज. फॉर इंस्टॉलेशन डिटेल्स प्रिफर, आगे मैं बता देती हूँ इंस्टॉलेशन डिटेल्स का और भी कैसे होगा. वहाँ पे आप उस साइट पे जाके उसको पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो. अब है इंटरैक्टिंग विद पाइथन. पाइथन इज फ्लेक्सिबल डायनामिक पावरफुल लैंग्वेज दैट कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज. इट कैन इंटरैक्टिवली यूज सिंपली टू टेस्ट अ कोड और अ स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन और वाइल एक्सप्लोरिंग इट्स इंटरफेस. ये एक फ्लेक्सिबल डायनामिक और पावरफुल लैंग्वेज है. ये इसके फीचर हैं जिसे हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. उसको हम इट कैन बी इंटरैक्टिवली यूज टू टेस्ट अ कोड. इंटरैक्टिवली हम इसे यूज कर सकते हैं किसी कोड को टेस्ट करने के लिए, और स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन और वाइल एक्सप्लोरिंग इट्स इंटरफेस. पाइथन इज यूज बाय गूगल सर्च इंजन. पाइथन गूगल सर्च इंजन के थ्रू यूज होती है, यूट्यूब के थ्रू यूज होती है. इट इज बींग वाइडली यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग. मैक्सिमम टाइम्स ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है. GUI प्रोग्रामिंग, इंटरनेट स्क्रिप्टिंग और वेब गेमिंग, टेक्स्ट प्रोग्रामिंग, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, कमर्शियल रोबोट्स एंड इन स्पेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन. GUI प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है. इंटरनेट स्क्रिप्टिंग वेब में, गेमिंग में, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, कमर्शियल रोबोट्स में और स्पेस साइंटिस्ट के थ्रू भी ये यूज होती है. ठीक है, पाइथन की जो प्रोग्रामिंग होती है वो. टू राइट एंड रन पाइथन प्रोग्राम्स इंटरैक्टिवली वी कैन ईदर यूज द कमांड लाइन विंडो और द IDLE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज एनवायरनमेंट. इस पे हम काम करते हैं जब हम पाइथन के प्रोग्राम्स बनाते हैं. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट दैट कम्स विद पाइथन. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ IDLE इज दैट इट इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज द यूजर टू एडिट, रन एंड ब्राउज एंड डीबग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ सिंगल इंटरफेस. IDLE के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं, ब्राउज करके देख सकते हैं और डीबग करके देख सकते हैं. मतलब एग्जीक्यूशन कौन सी लाइन से कौन सी लाइन पे एग्जीक्यूशन जा रहा है पाइथन में प्रोग्रामिंग के अंदर. ठीक है, अब ये देखो पाइथन शेल. When you start Python IDLE by clicking on its icon created on a desktop or menu item or the start menu, जब आप सबसे पहले क्या करोगे, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद एप्स के नाम खुल के आ जाएंगे. उसमें आपको IDLE पे क्लिक करना है तो आपका जो है पाइथन शेल स्टार्टअप हो जाएगा. इस तरीके से आपको वो दिखेगा, IDLE लिखा हुआ आपके लैपटॉप के अंदर. ठीक है, पाइथन शेल इज एन इंटरैक्टिव विंडो वेयर यू कैन टाइप इन द पाइथन कोड एंड सी द आउटपुट इन द सेम विंडो. पाइथन में दो तरीके की विंडोज होती है, इंटरैक्टिव विंडो, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड. ठीक है, इंटरफेस इन एन इंटरफेस बिटवीन पाइथन कमांड्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एक इंटरफेस होता है पाइथन कमांड्स के बीच में
और ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ठीक है, द इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन इज टर्म एज पाइथन शेल। जो इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर होता है पाइथन का, उसे पाइथन शेल कहते हैं। इस तरीके से आईडी एली की जो विंडो है वो खुलेगी। ये पाइथन शेल है इंटरैक्टिव मोड, और ये पाइथन एडिटर है स्क्रिप्ट मोड। पाइथन शेल इंटरैक्टिव मोड कुछ इस तरीके का दिखेगा, और यहाँ पे आपके वर्जन लिखे होंगे, कॉपीराइट लिखा होगा। ठीक है, कितने बिट का है ये इंफॉर्मेशन इंटरैक्टिव मोड पे गिवन होगी। और पाइथन एडिटर स्क्रिप्ट मोड ऐसा कुछ दिखेगा जिस पे कुछ नहीं लिखा होगा। ऑप्शंस होंगे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, रन, ये सब ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, ऑन ओपनिंग पाइथन शेल शोज अ वेलकम मैसेज डिस्प्लेइंग इट्स वर्जन एंड अ कॉपीराइट नोटिस। आफ्टर दिस द कमांड प्रॉम्प्ट फॉलो बाय अ ब्लिंकिंग कर्सर गेट डिस्प्लेड विच इंडिकेट दैट आईडीएल इज नाउ रेडी टू टेक पाइथन कमांड फ्रॉम द यूजर। जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो एक वेलकम मैसेज दिखाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें वर्जन होगा, आपकी बिट कितने बिट का आपने इंस्टॉल किया है पाइथन, और एक कर्सर होगा जो ब्लिंक करता रहेगा जहाँ पे आप लिख सकते हो। व्हेन वी ओपन पाइथन इंटरैक्टिव मोड पाइथन शेल विद प्रॉम्प्ट गेट डिस्प्लेड फॉर द यूजर टू एंटर द कमांड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ इट। आप ना सारी कमांड्स यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, दिस इज द पाइथन शेल विच इज अ पार्ट ऑफ पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ये पाइथन शेल होती है जो पार्ट होती है पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट का। द थ्री ग्रेटर साइंस, ऐसे साइन होंगे जिसमें आप इन साइन को बोलते हैं प्रॉम्प्ट, और ये होते हैं इनपुट लेने के लिए। इन साइन को बोला जाता है प्रॉम्प्ट, और ये इनपुट के लिए होते हैं। पाइथन शेल डिस्प्लेड द प्रॉम्प्ट टू इंडिकेट दैट इट इज वेटिंग फॉर अ यूजर कमांड टू बी एंटर। ये वेट कर रहे होते हैं यूजर कमांड को एंटर करने के लिए। अब होता है कमांड लाइन इंटरेक्शन। व्हेन कमांड्स आर एंटर्ड डायरेक्टली इन आईडीएलई फ्रॉम द कीबोर्ड द इंटरप्रेटर आईडीएलई इज सेड टू बी इन इंटरेक्टिव मोड। जब हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं तो जो आईडीएलई होता है ना, वो इंटरैक्टिव मोड में होगा, और इंटरैक्टिव मोड में वो क्या करेगा ना, आपको आउटपुट वहीं का वहीं दिखा देता है। इन इंटरैक्टिव मोड टाइप द कमांड हेलो वर्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रॉम्प्ट विच इज ग्रेटर थ्री ग्रेटर साइंस एंड प्रेस एंटर। तो आपको ना वहीं का वहीं आउटपुट दे देगा इंटरैक्टिव मोड पे। तो आर फर्स्ट प्रोग्राम, सो वी बिगिन विद द फर्स्ट कमांड इन पाइथन इंटरैक्टिव मोड। तो हम अपनी फर्स्ट कमांड देंगे। तो जब आप इस तरीके से इंटरेक्टिव मोड पे आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड ही वो वहीं के वहीं ही डिस्प्ले कर देगा। ये आपने इनपुट दिया और ये आपको आउटपुट मिल गया सेम स्क्रीन पे। ठीक है, एज सून एज वी प्रेस द एंटर की आफ्टर टाइपिंग आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एंड आउटपुट इज डिस्प्लेड देन एंड देयर। आपको वहीं का वहीं आउटपुट दे देगा जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे। ठीक है, अल्टरनेटिवली दिस कैन बी डन यूजिंग प्रिंट फंक्शन। आप इसे प्रिंट फंक्शन के थ्रू भी यूज कर सकते थे। देखिए, प्रिंट फंक्शन में आप पहले लिखेंगे प्रिंट विच इज अ की वर्ड टू प्रिंट एनीथिंग, राइट। तो सबसे पहले आप प्रिंट लिखेंगे, जो भी आपको प्रिंट कराना है वो लिखेंगे। स्ट्रिंग के लिए आप क्वोटेशन मार्क यूज करते हैं, डबल क्वोटेशन मार्क, सिंगल क्वोटेशन मार्क और ट्रिपल क्वोटेशन मार्क। ठीक है, तो आपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, एंटर प्रेस किया, वहीं आपको आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। आपने लिखा प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, आपको वहीं आउटपुट देके वो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट कर देगा। द मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप शेल बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एंड पाइथन रिटर्न द आउटपुट। दिस मेथड ऑफ टाइपिंग द मैसेज इन फ्रंट ऑफ प्रॉम्प्ट इज टर्म्ड एज डिस्प्लेइंग। इसको ना डिस्प्लेइंग कहते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को ये डिस्प्ले कर देता है एज इट इज वहीं का वहीं। अगर आप
न्यूमेरिक नंबर देना चाहोगे ना, तो कोटेशन मार्क यूज नहीं होते। कोटेशन मार्क सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं। अब देखो, जैसे आपको 10 करना है, तो आपने 10 प्रिंट किया और 20 प्रिंट किया, तो वो 10 और 20 एज अ डिजिट प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इन द अबव केस वी हैव गिवन टू प्रिंट स्टेटमेंट फॉर डिस्प्लेइंग टू डिफरेंट मैसेजेस अपॉन प्रेसिंग द एंटर की। तो हमने दो डिफरेंट मैसेजेस प्रिंट किए एंटर की के थ्रू। इट हैज नाउ बिकम एविडेंट दैट वी कैन गिव कमांड्स एट द प्राइमरी प्रॉम्प्ट एंड सी इमीडिएट रिजल्ट्स। हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट पे इनपुट दिए और एकदम जैसे हमने एंटर प्रेस किया वो रिजल्ट हमें दे देगा। प्रिंट इज अ फंक्शन विच इज यूज टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड कंटेंट ऑन द स्क्रीन। प्रिंट एक फंक्शन है जो डिस्प्ले करेगा स्पेसिफाइड कंटेंट को स्क्रीन पे। द कंटेंट कॉल्ड आर्ग्यूमेंट इज स्पेसिफाइड विद इन द पैरेंथेसिस। जो कंटेंट होगा, जिसे हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे, वो स्पेसिफाइड होगा पैरेंथेसिस के अंदर। प्रिंट स्टेटमेंट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट विल बी सिंपली जंप टू नेक्स्ट लाइन। अगर उसकी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनपुट दे के एंटर प्रेस करके प्रिंट आउटपुट वहीं पे ले सकते हो इंटरेक्टिव मोड के अंदर। ठीक है, नाउ पाइथन इज अ की सेंसिटिव लैंग्वेज। की सेंसिटिव लैंग्वेज ये होती है बच्चों कि आपने जो अल्फाबेट आपने अल्फाबेटिकली लिखा, तो जो कैपिटल ए होगा और स्मॉल ए होगा ना, ये दोनों डिफरेंटली ट्रीट होंगे। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हो जाएंगे कंप्यूटर के लिए। ठीक है, दिस मीन्स दैट पाइथन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स और अल्फाबेट्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट विद कैपिटल पी एंड प्रिंट विद स्मॉल पी आर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर पाइथन, वेयर एज प्रिंट इज अ वैलिड कमांड इज पाइथन। देखो, अगर आप प्रिंट लिखते हो विद पी स्मॉल, तो ये होती है एक वैलिड स्टेटमेंट। अगर आपने पी का बड़ा बना दिया तो इसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि पी जो स्मॉल है वो प्री डिफाइंड कीवर्ड है पाइथन के अंदर। ठीक है, वेयर एज प्रिंट इज अ वैलिड कमांड इन पाइथन, और पी विद प्रिंट विद पी कैपिटल इज अ वर्ड नॉट अ कमांड। दिस कैन बी ऑब्जर्व बाय टाइपिंग द कमांड प्रिंट हेलो वर्ल्ड। पाइथन विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट इट एंड शो एन एरर। पाइथन उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि वो हमने प्रिंट स्टेटमेंट के लिए ही पी कैपिटल रखा है और एरर शो कर देगा। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एज इट ट्रीट अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर्स डिफरेंटली। तो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है क्योंकि ये अपर केस और लोअर केस के जो होते हैं वो डिफरेंटली ट्रीट करती है। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने पी स्मॉल के साथ हेलो वर्ल्ड कराया तो प्रिंट हो गया, और आपने वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग कराया वो भी प्रिंट होगा। और आपने पी यहाँ पे देखो कैपिटल दे दिया, प्रिंट का पी आपने यहाँ पे कैपिटल दे दिया तो एरर शो करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो फिर आपका अब ये थी कमांड्स और पाइथन के मोड्स और शेल्स। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, यूज करके देखना है, यूज प्रिंट कीवर्ड इन पाइथन प्रोग्राम। आपको प्रिंट कीवर्ड जो है ना, उसको यूज करके देखना है डिफरेंटली। ठीक है, अलग अलग चीजें आप प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करके देखेंगे, पी बड़ा बना के देखेंगे या पूरा ही पी बना बना के देखेंगे, फिर देखेंगे एरर कैसे आते हैं। ठीक है,